हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑपरेशन रिसर्च, एंड इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लास्ट टाइम पे मैंने इसमें आपको एक मेथड कराया था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिससे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था कि कई बार वाइवा में आपसे पूछ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने मेथड है, तो टोटल कितने मेथड है, 4 मेथड, जिनमें से कि फर्स्ट हम कर चुके हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। उस पर बेस्ड जो भी आपको होमवर्क में कल क्वेश्चन दिए थे वीडियो में, आई होप आपने वो कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। सेकेंड है जो कि हम आज पढ़ेंगे, जो कि है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या फिर जिसको हम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी बोल देते हैं। थर्ड आता है इसमें यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, जिसको हम वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं। और लास्ट आता है मोदीज मेथड। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मोदीज मेथड है, आपके लिए भी और आगे के लिए भी। बाकी सभी मेथड्स भी आपको अच्छे से अपने प्रिपेयर करके चलने, क्वेश्चन आपके पूछा ही पूछा जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम से भी और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से भी। एक क्वेश्चन आपको 110% क्वेश्चन पेपर में रखा मिलता ही मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन अपना छोड़ करके ना आए, इनकी आप एटलीस्ट अच्छे से प्रिपरेशन करके चले, क्योंकि टफ नहीं है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, बस कैलकुलेशन का खेल है। अगर आपसे कैलकुलेशन थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो समझ लेना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको करने से बचना है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी साइड पड़ी, ये वाली। यानी कि सपोज दैट आपके पास में कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर जो आपके पास में सबसे लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये वाला जो एलिमेंट होगा, यानी कि फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वहां से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होता क्या है कि मार्केट में कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, उसकी कुछ लोगों को डिमांड होती है। तो सबसे पहली बात तो हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो डिमांड की इक्वल होनी चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट की इक्वल होनी चाहिए। कि सपोज अगर 5 चीजें मार्केट में है तो कितने लोगों को कितनी चीजों की जरूरत हो, अगर 5 ही चीजों की जरूरत हो तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना होता है कि जिससे जो कॉस्ट है वो क्या है, कम से कम आए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था उसमें हम क्या करते थे कि सपोज डिमांड इधर लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट इधर, सपोज दैट अवेलेबल कितनी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग सपोज दैट अगर यहाँ पे चीजें 8 मार्केट में अवेलेबल है और 5 की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हम किस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते थे, किस एलिमेंट से स्टार्ट करते थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होता था उसके अकॉर्डिंग हम देखते थे कि यहाँ पे अगर हम देखें इसे कितने की रिक्वायरमेंट और कितनी है। सपोज दैट यहाँ पे हमने देखा 5 की रिक्वायरमेंट और 8 मार्केट में अवेलेबल है, तो हम इसे कितनी देते, सिर्फ 5 देते जितने की इसे रिक्वायरमेंट होती। और ये चीज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारी जो हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, वहां से हम अपना क्वेश्चन को सोल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये वाली कॉलम तो हमारी खत्म हो गई, तो हम इस कॉलम में तो क्या है, देखें अब तो इसे रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इधर की साइड शिफ्ट होते हैं। फिर अगर वो रो कंप्लीट हो जाती फिर हम नीचे की साइड शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट कॉलम में। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व किया था। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने वाला लेक्चर नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो कि क्या है, यूनिट कॉस्ट एंट्री मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। पहले हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो आप मेथड का नाम देख करके समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। यानी कि सपोज दैट अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, हमने माना 5 2 3 1 6 9 4 7 8, ठीक है, हमने माना ये हमारे पास में कोई भी कॉस्ट मैट्रिक्स की वन है। अब हमें क्या करना है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड की हेल्प से इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो लोएस्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम कॉस्ट होती है। तो आपको क्या देखना है कि जो भी आपके पास में मैट्रिक्स गिवन है उसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, तो आप देखो इनमें सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, 1 है। तो आप इस 1 से क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे मार्केट में कितनी चीजें अवेलेबल है वो होगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको गिवन होगी, है ना। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि सपोज दैट यहाँ पे ये लिखा हुआ है,
ठीक है, कितनी चीजें अवेलेबल है और इतनी रिक्वायरमेंट है। तो सपोज इट, अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें सबसे जो मिनिमम है कॉस्ट वो कौन सी है, वन है। अब वन के लिए देखो अवेलेबल कितनी चीजें हैं, दो, और रिक्वायरमेंट कितने की है, फोर की। तो जितनी चीजें अवेलेबल है उतनों को ही तो देंगे। तो सपोज इट यहाँ पे दो चीजें अवेलेबल है तो हमने दो दे दी, तो यहाँ पे आपके पास में कितनी बची, अब कितने की रिक्वायरमेंट रह गई, से टू की रिक्वायरमेंट रह गई यहाँ पे। अब हमारी फर्स्ट जो है इसको मिल गई। अब वन के बाद में जो इससे बड़ा है, वन से बड़ी कॉस्ट क्या है, तो वन से बड़ी कॉस्ट क्या है, टू है। टू देखो कहाँ पर है, तो टू कहाँ पे, ये रहा। अब टू के लिए देखो मार्केट में अवेलेबल है फाइव, रिक्वायरमेंट है थ्री की, तो आप कितनी दे दोगे इसे, थ्री दे दोगे, तो ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। आपके पास ये हमारी ऑलरेडी कैंसिल थी, अगर हमने इसे थ्री दे दी तो इसके पास में अवेलेबल कितनी बचेंगी, यहाँ पे टू रह जाएंगी। क्लियर बात। अब टू के बाद में नेक्स्ट देखो क्या है इससे बड़ी, थ्री है। थ्री पे देखिएगा, थ्री पे अवेलेबल भी टू है और रिक्वायरमेंट भी टू की है, तो थ्री को हम टू दे देंगे। ठीक है, जितनी चीजों की तो जरूरत है उतनी तो देंगे। उसके बाद में क्या आता है, फोर। भाई उससे बड़ी कॉस्ट क्या हुई, फोर हुई। फोर पे आप देखिएगा, फोर पे रिक्वायरमेंट खत्म है लेकिन अवेलेबल है चीजें, तो फोर को तो हम देख नहीं सकते क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। फोर के बाद फाइव की भी हमारी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। फाइव के बाद सिक्स पे आए, सिक्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल है और अवेलेबल तो कुछ है ही नहीं। फिर सेवन देखिएगा, सेवन पे रिक्वायरमेंट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, भले ही चीजें अवेलेबल है लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद अगर हम एट देखें, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट जो हाईएस्ट कॉस्ट है वो क्या, एट है। तो एट पे रिक्वायरमेंट कितने की है, टू की रिक्वायरमेंट है, और अवेलेबल भी कितनी है चीजें, दो ही चीजें अवेलेबल है, जिसको हम टू दे देंगे। अब यहां से हमारी जितनी भी चीजें अवेलेबल थी और जितनी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने सभी को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो मिनिमम कॉस्ट निकल करके आएगी, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल करके आएगी, वो क्या आएगी, आप टू की थ्री में मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री की टू में मल्टीप्लाई कीजिए, वन की टू में मल्टीप्लाई कीजिए, और एट की टू में मल्टीप्लाई कीजिए, और सभी को क्या कर दोगे, एड कर दोगे, चौदह ही हो जाएंगे आपके पास में थर्टी। तो 30 आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल करके आ जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से आपको क्या करना है, जो हमारी लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, यूजिंग लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है उसका आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो आपको इसकी हेल्प से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, टू पार्ट है, फर्स्ट मैं आपको करा रही हूँ, सेकेंड आपको खुद से करना है। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसमें डेस्टिनेशंस दी हुई है ए बी सी डी, ओरिजिन दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डिमांड दी हुई है, सप्लाई दी हुई है। अगर हमने सम करके देखा तो हमारे पास में टोटल 80 आया, कि सप्लाई भी हम 80 आइटम्स ही कर सकते हैं और डिमांड भी 80 आइटम्स की ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके अंदर जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है या फिर लोएस्ट कॉस्ट है हम उसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा इसमें जो लोएस्ट कॉस्ट है वो कितनी है, तो आप कहोगे दी जीरो है। ठीक है, तो जीरो पे हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम अमाउंट हम एलोकेट कर सकते हैं वो कर देंगे। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में डेस्टिनेशन है ए बी सी डी और ओरिजन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, डिमांड देख लेंगे और जितनी चीजें हम सप्लाई कर सकते हैं वो देख लेंगे। सप्लाई कर सकते हैं हम 34, 15, 12 एंड 19, और डिमांड कितने की है 21, 25, 17, 17। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जरूरी नहीं है कि आप एक ही मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व कर दो, आप जितने मन करे उतनी मैट्रिक्स बना लेना, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करके मत आना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, जीरो। तो जीरो को हम जो मैक्सिमम अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं वो क्या है, सप्लाई कर सकते हैं हम 12 की, और डिमांड कितने की है यहाँ पे 21 की है। तो जितनी हमारे पास चीजें हैं सप्लाई करने के लिए उतनी तो हम सप्लाई करेंगे, भले ही डिमांड उसे लाखों की है, लेकिन जब हमारे पास देने के लिए 100 रुपए है तो हम तो भी उसे 100 ही रुपए देंगे, बाकी तो किसी से भी ले ले फिर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो मैक्सिमम अमाउंट एलोकेट करेंगे वो क्या करेंगे, 12। जब हमने इसको 12 दे दिया तो यहाँ पे देखना
ये वाली रो तो हमारी कंप्लीट हो गई, इससे तो हम और सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके पास अभी डिमांड कितने की बची? अगर हमने 12 दे दिया तो डिमांड कितने की रह गई इसके पास? 9 की रह गई, नहीं रह गई। तो अभी इसके पास डिमांड है, लेकिन ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये वाली जो रो है इसको हम नहीं ले सकते। ठीक, अब जीरो के बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में है वो क्या है, मतलब जीरो से जो बड़ी कॉस्ट है वो क्या है? वन। वन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, तो जहां पर भी आ रहा है इनमें से कोई सी भी एक शेल में आप देख सकते हो, या तो फर्स्ट रो में देख लो या सेकंड रो में, कैसे भी देख लो, क्योंकि नेक्स्ट जो आप लोगे फिर वो आपको वन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वन कितनी बार है? दो बार है। सपोज अगर हमने यहाँ देखा, यहाँ पे अगर हमने वन देखा तो एक बात बताइए, सप्लाई कितने की कर सकते हैं यहाँ पे? 34 की। लेकिन इसे डिमांड कितने की है? सिर्फ 9 की डिमांड है। बेचारे को 9 चीजें चाहिए, भले ही उसके पास करोड़ों रुपए, लेकिन चाहिए तो उसे एक ही रुपया, तो एक ही रुपया तो लेगा, उसे तो एक ही की जरूरत है, उसे तो नेग में एक ही रुपया देना है। तो क्या होगा यहाँ से? सिर्फ 1 को कितना मैक्सिमम अमाउंट हम एलोकेट करेंगे? 9। तो जब हमने 9 एलोकेट कर दिया, इसका मतलब इसकी डिमांड फुलफिल हो गई। लेकिन सप्लाई कितनी बची यहाँ पर? अगर आप देखोगे तो आप कहोगे दी हमारे पास में ये बच गई 30, यानी कि एटलीस्ट 25। ठीक है, अगर इसके पास में डिमांड इसकी फुलफिल हो गई तो सप्लाई अभी कितने की बची? 25 सप्लाई ये और कर सकता है। अब वन से फिर नेक्स्ट वन पे आएंगे। अब इस वन पे देखिएगा जरा, इस वन पे अगर हम देखें सप्लाई कितने की कर सकते हो? अच्छा 15 की। लेकिन इसे डिमांड कितने की है? 17 की। अब सप्लाई जब आइटम ही कम है तो कम ही तो सप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे मैक्सिमम अमाउंट जो 15 है वो एलोकेट कर देंगे, भाई इतना ही है हमारे पास, इससे ज्यादा और नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली इसकी सप्लाई खत्म हो गई, लेकिन इसके पास में अभी भी डिमांड कितने की रह गई? 2 की डिमांड रह गई, क्योंकि इसके पास अभी दो चीजें कम है। क्लियर बात? अब इससे आगे चलिए, 1 के बाद में नेक्स्ट क्या आता है? 2। अब 2 देखो कहां पे बचा, सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि बाकी सभी 2 के लिए या तो सप्लाई खत्म हो गई या डिमांड खत्म हो गई। इस 2 पे अगर हम देखें तो इस 2 पे आप कहोगे दी डिमांड तो 2 की है और अवेलेबल है चीजें 19। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इस 2 को हम दो चीजें दे देंगे, जब हमने इसको दो आइटम दे दी इसकी डिमांड तो फुलफिल हो गई, लेकिन अभी हम यहाँ से 17 की सप्लाई और कर सकते हैं, क्योंकि 19 थे हमारे पास। अब 2 के बाद में अगर आप देखो 3 आता है, बाकी जितने भी 3 हैं उनके लिए या तो डिमांड खत्म है या सप्लाई खत्म है, लेकिन एक 3 हमारे पास बच रहा है, जिसके लिए अगर हम देखें सप्लाई हम 25 की कर सकते हैं, लेकिन डिमांड 17 की है, तो जितनी जरूरत है वो तो बेचारा उतनी चीजें लेगा, फालतू पैसे नहीं देगा। तो इसका मतलब इस 3 को हम मैक्सिमम अमाउंट कितना एलोकेट करेंगे? 17। ठीक है, जो कम है वो एलोकेट करना है। तो अगर हमने इसको कर दिया तो इसकी डिमांड तो फुलफिल हो गई, लेकिन अब सप्लाई तो ये कितनी कर सकता था? 25 की, तो इसमें 17 की तो सप्लाई की, 17 की सप्लाई की, इसका मतलब इसके पास 8 चीजें अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है, अगर इसके पास 8 चीजें अभी भी बच रही है, आप देखो 3 के बाद में 4 हमारा कट हो गया, बचा क्या? 5 और 7 दो बचे, इनके लिए देखो। सबसे पहले हम 5 के लिए देखेंगे, तो 5 के लिए सप्लाई तो हम 8 की कर सकते हैं, लेकिन डिमांड कितने की है? 25 की है। डिमांड कितने की है? 25 की, लेकिन सप्लाई 8 कर सकते हैं, जितनी सप्लाई कर सकते हैं हम तो उतनी करेंगे। अगर हमने 8 सप्लाई कर दी, ठीक है, 25 में से 8 हमने सप्लाई कर दी, तो आपके पास में कितनी बचेंगी? 17 की डिमांड इसे अभी रह जाएगी। और अगर इसे 17 की डिमांड रह गई, इसका मतलब इसकी ये वाली जो सप्लाई थी वो तो पूरी हो गई, 8 देते इसको। अब इस वाले की बची, इस वाले की डिमांड कितनी है? 17, और सप्लाई भी कितनी बच रही है? 17 बच रही है। तो इसका मतलब इस 7 को हम कितना अमाउंट एलोकेट कर देंगे? 17 एलोकेट कर देंगे। तो इसकी डिमांड भी कंप्लीट, इसकी सप्लाई भी कंप्लीट, कंप्लीट मैट्रिक्स हमारी कट हो गई, जितनी भी रोज थी और कॉलम थी। जब ये कंडीशन आ जाए, इसका मतलब हमने जितनी भी डिमांड थी मार्केट में और जितनी चीजें सप्लाई कर सकते थे उन सभी को एक सही अमाउंट में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास कॉस्ट निकल करके आएगी वो एकदम क्या होगा? इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। सो हेंस आप क्या कहोगे कि जो भी ओरिजिन 1 था वो किस डेस्टिनेशन पे गया? फर्स्ट वाली पे। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखोगे कि X11 यहाँ पे क्या आएगा, X11, तो X11 जो है उसको अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है? 9 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे X12 की वैल्यू 8 है, फिर X14
फोर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, थ्री है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को और ये कॉलम को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, वन वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन टू, फर्स्ट रो थर्ड फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ कॉलम पे कितना आ गया वन फोर। इसकी वैल्यू कितनी है, 17 है भाई। ठीक, इसके बाद में ये हमारे पास में कौन सी बनेगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। यहाँ पे हमने मैक्सिमम अमाउंट कितना एलोकेट किया, 15। फिर नेक्स्ट आइए, ये हमारे पास में क्या जाएगी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इस पे मैक्सिमम अमाउंट हमने दिया 12। फिर नेक्स्ट आइए आप किस पे, एक्स फोर्थ रो और सेकंड कॉलम, इस पे मैक्सिमम अमाउंट दिया हमने 17। और लास्ट में हम देखें फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, इस पे हमने मैक्सिमम अमाउंट कितना दे दिया, 2। That is our required answer of this question. और अगर हमसे कोस्ट गया था, कोस्ट वैसे कहीं नहीं है, सिर्फ आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना था, तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोस्ट कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, 1 की 9 में मल्टीप्लाई, 5 की 8 में मल्टीप्लाई, 3 की 17 में, 1 की 15 में, 0 की 12 में, 7 की 17 में, 2 की 2 में, सभी को क्या कर देते, एड कर देते, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता अगर कोस्ट पूछते तो। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, इसी का ही सेकंड पार्ट आपके सामने है और आंसर भी है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल को इसी का जो थर्ड मेथड है, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, या फिर जिसको हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कल आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क से ऐसे दिए जाएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन के अंदर ही आपसे कहेगा कि इसको आपको यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड यानी कि वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी सॉल्व करना है, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से भी सॉल्व करना है। तो फिर आपको उन क्वेश्चन को तीनों रूल से सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।